दोस्तों अभी के टाइम पर हमारे पास दुबई में जॉब की वैकेंसी आई हुई है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की। और सिक्योरिटी गार्ड में ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप सिक्योरिटी गार्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या आपके पास स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है या फिर आपको जॉब अप्लाई करना है, जॉब आपको मिल सके, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो मैं डायरेक्ट आपको पूरा दिखाता हूँ सिनेरियो किस तरीके से आप जॉब को अप्लाई करो। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं जॉब की पोजीशन, आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के जॉब की जरूरत है और कैटेगरी जो है ट्रेड है ये पूरा दिया हुआ है। और ये जो जॉब है ये है आपका दुबई के अंदर, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसे अप्लाई करने वाले हो। यहाँ पर कुछ क्लाइंट के बारे में डिटेल लिखा है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसे पहले पढ़ो, मैं आपको सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। और इसमें सिक्योरिटी गार्ड में जरूरत है, नंबर ऑफ डिमांड है 200 मेल चाहिए और इन्हें 200 मेल और यहाँ पर 10 फीमेल की आवश्यकता है, जो कि इन्हें रिक्वायरमेंट है, इन्हें जरूरत है, ठीक है। तो 210 यहाँ जॉब कर अप्लाई है, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस दिया है, आप देख सकते हो इंडिया के लिए चाहिए, गल्फ इंटरनेशनल वाला है। प्लीज क्लेरिफाई आप करो कि 2 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस है कहाँ का है। अगर आप आर्मी में काम कर चुके हो, पुलिस में काम कर चुके हो या फिर सिक्योरिटी में ऑलरेडी काम कर रहे हो काफी टाइम से, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि यहां पर आपको जॉब लग सके। तो एक्सपीरियंस में ये चीज मांगा है। और यहां पर रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहां पर देखो 12th पास दे के रखा है। 12th पास क्यों दिया है मैं नीचे बताने वाला हूं। और यहां पर हमारे पास ऐसी भी जॉब आती रहती है जहां सिक्योरिटी गार्ड में जो रहता है एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले आप ये देख लो यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। कम्युनिकेशन स्किल, कौन कौन सी भाषा आपको आनी चाहिए, तो यहां पर देखो इंग्लिश इज मस्ट, स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, और कोई भाषा आती है तो बढ़िया है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल गाइडलाइंस, सिक्योरिटी पब्लिक सेफ्टी का जो होता है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप से सिक्योरिटी गार्ड में जाते हो तो आपको ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए। और जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज लिमिट होनी चाहिए 25 और उसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 5 फीट 9 इंच का हाइट होना चाहिए, तभी जाकर उसकी जॉब लगेगा। जिनकी हाइट कम है उनका नहीं लगने वाला, इतना याद रखो। फिजिकल अपीयरेंस में आप किस तरीके का लुक होना चाहिए, बाउंसर टाइप का होना चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, नो विजुअल टैटू, टैटू अगर बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बाहर की तरफ से कोई टैटू नहीं होना चाहिए जो पब्लिक में ऐसे दिखे, तो नो टैटू, स्कार्स, नो स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। टोटल ड्यूटी आपको करना पड़ेगा 12 घंटे का जॉब आपको करना पड़ेगा। वर्किंग डेज जो आपका रहेगा वो मंथ में जो है आपका 26 डेज वर्क करना होगा, 10 आवर्स पर डे आपको काम करना होगा, इंक्लूडिंग 1 आवर ब्रेकफास्ट आपका रहेगा, तो 10 घंटे काम करना होगा और 1 घंटे आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। बेसिक सैलरी मंथली आपको मिलने वाली 1200 AED, तो मंथली 1200 AED मतलब दरहम का हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, DEHREM दरम 2INR, 1200 दरम का हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। और यहाँ से 1200, इसका मतलब कि 27,483 रुपये आ रहा है, तो 27,483 रुपये आपको यहाँ पर मंथली सैलरी मिलने वाली है एज अ सिक्योरिटी गार्ड में, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटी अलाउंस क्या आपको मिलेगा, 720 AED सब्जेक्ट टू फिजिकल अटेंडेंस का भी मिलेगा। ओवर टाइम आपको रहेगा 342 AED फॉर 52 आवर्स ओवर टाइम पर मंथ आपको मिलेगा इतना, ठीक है, तो ओवर टाइम वगैरह करते हो तो ये आपका सैलरी में इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। ग्रॉस सैलरी आपको कितना मिलने वाली है, 2262 AED पर मंथ, तो टोटल आपका आ जाता है जो बेसिक सैलरी, ये बेसिक मिनिमम स्टार्टिंग जो था 27,000 के आसपास और यहाँ पर 2200 गई पर मंथ, तो आपका कितना चला जाता है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कितना चला जाता है 2262 का, तो 2262 यहाँ पर हम डाल देते हैं 2262, तो आपको 51,805 रुपये के अराउंड में सैलरी आपकी मिलने वाली है। नीचे हम आ जाते हैं और बाकी जो डिटेल है उसे भी हम आपको समझा देते हैं। देखो सैलरी, ग्रॉस सैलरी मैंने बता दिया। फूड अलाउंस जो है कंपनी की तरफ से आपको फ्रूड प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, वो खुद से आपको करना होगा। एकोमेंडेशन जो है कंपनी जो है यहाँ पर ये शेयर में दिया हुआ है, यहाँ पर हो सकता है कई लोग काम करने वाले हो। ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये रहेगा कंपनी की तरफ से रहेगा। मेडिकल इंश्योरेंस एज पर द UAE लेबर लॉ के हिसाब से जो भी रहेगा मेडिकल इंश्योरेंस वो कंपनी करेगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। जॉब लोकेशन कहाँ पे, दुबई में जॉब की आवश्यकता है। ECR पासपोर्ट एक्सेप्टेड और नॉट, नो, तो जिनके पास ECR पासपोर्ट है उनका एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पर वह बोल रहे लोग कि ECR वालों का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास कौन सा होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ECNR, ECN
ECNR। तो जब भी आप पासपोर्ट बनाओ तो आप देख लो कि आपका ECNR का है कि नहीं, और ECNR पासपोर्ट उन्हीं का बनता है जिनका 10th या 12th कंप्लीट होता है, उन्हीं लोग का ECNR वाला पासपोर्ट बनता है, ठीक है। और PCCR एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वीजा, तो हाँ भाई PCC आपका लगेगा वीजा के लिए, ठीक है, वीजा जब आप अप्लाई करोगे तो। इमिग्रेट्स रजिस्ट्रेशन हाँ करवाना पड़ेगा। लीव बेनिफिट्स क्या होगा, 30 कैलेंडर डे पर ईयर एंड कैन गो फॉर लीव ओनली आफ्टर फिनिशिंग टू ईयर्स, जब ये 2 साल का अपना एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही इनको छुट्टी मिलेगी। इंटरव्यू टाइप क्या रहेगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो यहाँ पर ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक गेट वीजा आफ्टर सिलेक्शन, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और सिलेक्शन आपका हो जाता है तो कितना टाइम लगेगा आपको वीजा मिलने में। Within 15 days of the selection upon the receiving proper documentation and clearance के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा का जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। मेडिकल फॉर वीजा प्रोसेस नॉर्मल गाम का, तो देखो नॉर्मल गाम का आपको कराना पड़ेगा, आपको पता है कि जब हम किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं तो मेडिकल करवाना पड़ता है, तो यहाँ पर नॉर्मल गाम का आपको कराना पड़ेगा। ज्वाइनिंग एयर टिकट विल बी प्रोवाइडेड बाई वी ऑन, यस और नो, कंपनी के थ्रू जो है आपको एयर टिकट का पैसे दिया जाएगा, यस और नो, तो नो, कंपनी आपको जो ये जो है आपका टिकट का पैसे नहीं देगी, ये खुद से आपको करना होगा, ठीक है। तो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर बता दिया, अब मेन यहाँ पर बारी आती है कि आप इन सारे जॉब को किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो देखो ये जो वेबसाइट है ये जो है NSDC इंटरनेशनल जॉब में आपको जाना होगा, तो उसके लिए हम इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखो इंटरनेशनल जो जॉब है इसके ऊपर आपको आ जाना है, और उसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है दुबई, DUBAI, बस ओनली दुबई आपको सर्च यहाँ से कर देना है, और मैंने जो जॉब बताई थी वो आपको दिख जाएगी सिक्योरिटी गार्ड की, और यहाँ पर देख सकते हो कि दुबई में अभी एक ही जॉब है सिक्योरिटी गार्ड की और यहाँ पर दिख चुकी है। तो इसे आपको सिंपली ये साइड में जो आपको ये वाला व्यू वाला ऑप्शन दे रहा है, तो आपको व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये अप्लाई करने का सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी डिटेल वही चीज़ें मेंशन की गई है कि क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या क्या जो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है, और जो चीज़ जिस PDF में मैंने आपको बताया था अगर उसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड JD करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो वेबसाइट है इसका नाम है NSDCJobX.com, तो स्पेलिंग आप लिख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो NSDCJob, आप लिख लो इस स्पेलिंग को तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, JobX.com। देखो ये वेबसाइट को आपको सर्च करना और यहाँ पर आ जाओगे, बाकी जो मैंने प्रोसेस बताया उसको आप फॉलो करना और अप्लाई करने वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट, बस ये प्रोसेस था और इससे ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप इस जॉब को अप्लाई कर लोगे ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, मल्टी सेक्टर में जॉब की जरूरत पड़ती रहती है, तो यहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तो भाई आपका 100% होगा। देखो अप्लाई बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से बोलेगा इंटर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी या लॉगिन विथ OTP के साथ करो। अगर पहली बार आप यहाँ पर आए हो तो न्यू टू NSDC जॉब एक्स रजिस्टर्ड ईयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिलअप कर दो, उसके बाद सबमिट कर दो, और अगर आप यहाँ पर एक बार सबमिट कर दोगे तो बस आपको लॉगिन ही करना रहेगा, उसके बाद जब भी यहाँ पर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको जॉब प्रोवाइड यहाँ से ये लोग कर देंगे, तो आपको जॉब का टेंशन नहीं लेना, आपको जॉब मिल जाएगी टाइम के हिसाब से, ठीक है। और आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद वीजा का प्रोसेस भी कंपनी की तरफ से फास्ट में होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मतलब सिक्योरिटी गार्ड में अगर आपको जाना है तो अभी जॉब के लिए अप्लाई करो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।